चाहिए चाहिए चाहिए, काम वाली बाई चाहिए, संपर्क करे मिस्टर आत्माराम भिड़े। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर क्यों लिखा इस पर? क्योंकि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना। मैंने पोस्टर में पढ़ा था यहाँ पे काम वाली चाहिए। अरे हाँ, कहाँ है काम वाली, किधर है? काम वाली नहीं है, काम वाला है, चलेगा? अरे अच्छा भाई सुन, अभी देख तुमको है ना हम सबके घर पे काम करना पड़ेगा, तुमको चलेगा? साहब यूनिवर्सिटी छोड़ा तब से यही काम कर रहा हूँ साहब। यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाई करते थे दोस्त? पढ़ता कौन था साहब, वहाँ के कैंटीन में मैं तो बर्तन घसता था। जो भी हो यार, अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। भाई अभी से ही काम शुरू कर दो, मैं यही रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर में 002 में, चलो निकलो। नहीं मैं कल से आऊंगा काम पे, 100 रुपया एडवांस मिलेगा। 100 रुपया एडवांस पहले दिन ही? क्यों भैया, कहीं जाके पार्टी वार्टी करनी है क्या? आप तो बहुत समझदार है साहब, मेरा आज बर्थडे है। सब समझ में आ गया भैया कि तुम लोग कौन सा बर्थडे मनाते हो रोज पैसे लेके? कुछ नहीं करना है इसको, पैसे लेके दारू पीनी है। निकालो इसको यहाँ से, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बहुत जानता हूँ मैं ऐसे लोगों को। निकालो इसको, निकालो। चलो मतलब हम तो वापस घूम फिर के जहाँ थे वहीं आ गए। चलो अब घर पर चलते हैं। चलो ये भी ठीक है। रुको। अरे दया, ये क्या बेडरूम का दरवाजा बंद? इतने जल्दी सो गई दया यार, खाना वाना बनाया है कि नहीं? अरे ये टपू के पापा गुस्सा मत होना, आज मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए जल्दी सोने जा रही हूँ। खाना बनाया है तो बर्तन का आवाज किए बिना चुपचाप खाना लेकर खा लेना, गुस्सा मत करना। अच्छे पति गुस्सा नहीं करते, ऐसा मेरी माँ कहती है। ये दया चुपचाप सो रही है फिर भी इसकी माँ की बातें भूत की तरह मेरे आसपास भटक रही है। मेरी माँ ये भी कहती है। ओहो, कितना बोलती है इसकी माँ, क्या कहती है? कि पतियों को अपनी पत्नी की तकलीफ का एहसास तब तक नहीं होता जब तक उनको खुद को तकलीफ नहीं होती, इसलिए आपको एक छोटी सी तकलीफ दे रही हूँ। खाना खा के सारे बर्तन बिना आवाज किए धोकर रख देना, गुस्सा मत करना प्लीज। रिक्वेस्ट, गुड नाइट। आपकी प्यारी थकी हारी ये दूध वाला जल्दी क्यों आ गया? अरे बहन आप कौन है, आपका नाम तो बताइए। अरे ये कहीं भी ना क्या हुआ देख कौन है। अरे बताती हूँ ना मैं, क्या कौन है ये लोग? मैं वही पूछ रही हूँ, कौन है ये भाई? क्या मैं झमकू और ये मेरा पोता बटू, आपको काम वाली चाहिए ना? अरे हाँ, अहमदाबाद से बिना टिकट ट्रेन में टीसी की पहचान से सुंदर भाई ने मुझे बिठा के यहाँ भेजा है। अरे सुना आपने, सुना मेरे वीरा को मेरी कितनी चिंता है, उसने अहमदाबाद से मेरे लिए काम वाली बाई को भेजी है। ए भाई सीधा खड़ा रहना तू इधर, इनको क्या सुंदर ने भेजा? सुंदर ने भेजा है मेरे वीरा ने। देखो अभी इसने टीवी चालू कर दिया भाई, तू ये रखना भाई। सेठ क्या है, उसको टीवी देखने का बहुत शौक है। तो सुबह क्या, पाँच बजे थोड़ी को टीवी देखता है बेटा, सुबह सुबह मस्ती नहीं करते हैं। ये बताइए आप आज से ही काम शुरू करेंगे? हाँ आज से ही। और सुंदर भाई ने पगार भी तय किया है, महीने का 4,000।
खाना पीना कपड़ा और रहने को कमरा। कमरा? हाँ हाँ, हमारे दो घर है। पता है सुंदर भाई ने मुझे बोला है, एक घर में तुम रहना और दूसरे घर में काम करना। हाँ हाँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्या भाई, अभी इसने फोन, ए भाई फोन के साथ बातें नहीं कर। अरे बेटा फोन रख दो। अरे फोन मेरे पास है। तो आप रख दो। अरे भाई तू स्थिर नहीं खड़ा रह सकता, ये क्या कितनी मस्ती करता है ये। अरे सेठ, कल मेरा बेटा और बहू आएंगे ना, फिर वो मस्ती नहीं करेगा। क्या, और दो लोग आने वाले? दो नहीं, चार। इसके अलावा मेरा एक पोता और पोती भी है। हाँ। तो वो सब लोग रहेंगे किधर? यहाँ मेरे साथ, और कहाँ रहेंगे? सब लोग इधर। अरे ये क्या धर्मशाला है क्या? चले चल, चलो उठाओ अपना बोटला और अंदर चलो। अरे क्या अंदर चलो, है दया, जाओ जाओ, चलो अपने घर जाओ, अहमदाबाद वापस जाओ। अरे ये आप क्या कर रहे हो? अरे काम वाली बहुत मुश्किल से मिलती है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आप हाँ कर दो ना, रख लीजिए ना। अरे क्या रख लीजिए, एक काम वाली के बेचा चार लोग इधर रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ए भाई तुम निकलो अहमदाबाद, चलो। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? आपकी नौकरी के लिए मैंने अहमदाबाद की नौकरी छोड़ दी। अरे तो हमने बोला था अहमदाबाद का काम छोड़ के इधर आओ। देखो सेठ, आपको नहीं रखने का है ना, तो हमको भी कोई शौक नहीं है आपके इधर नौकरी करने का। मेरा एक महीने का पगार दे दो, आने जाने का ट्रेन भाड़ा दे दो। अरे लेकिन तुम आई तो बिना टिकट। हाँ तो जाने का तो दो, और देखो मुंबई दर्शन का पैसा अलग देना पड़ेगा। देखा देखा तुम्हारे भाई का कारनामा, तुमको 4,000 चाहिए ना? हाँ। 4 नहीं, तुमको 8,000 मिलेंगे। सच? अरे तो दो ना। उसके लिए तुमको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, उधर आपके वो सुंदर भाई श्री साहब है ना, वो आपको देंगे। चलो निकलो, चलो। मतलब आप मुझे पगार नहीं देंगे? अरे तुमने इधर काम नहीं किया तो पगार किस बात का दूं मैं? तो करवाओ ना, इसके लिए तो मैं आई हूँ। बोलो बोलो सेठ, क्या काम करने का है? अरे मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना है। तो पगार दो। अरे फिर वही बात। देखो सेठ, फैसला कर लो, या काम दो या पगार दो। एक मिनट, देखिए इनको नहीं रखना है तो आपकी मर्जी। हाँ। पर इनको पगार तो दे दीजिए। अरे अहमदाबाद में लोग क्या सोचेंगे, सुंदर के जीजा जी एक कामवाली का पगार खा गए। हाँ तो कौन सा पगार, क्या खाया, क्या बोल रही है तुम निकलो अहमदाबाद, चलो चलो। इसका मतलब आप मुझे पगार नहीं देंगे? नहीं। अच्छा नहीं देंगे ना? नहीं। जब तक आप मुझे पगार नहीं देंगे ना, मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। अरे क्या मुसीबत है, तो दे दीजिए ना पगार। अरे किस बात का पगार दूं मैं इसको, लेकिन। अरे आप समझते नहीं है। बहन जी आप चिंता मत करो, कल मेरा बेटा आएगा ना, वो इनके पास से पगार वसूल करेगा। अरे मेरा बेटा बड़े बड़े गुंडे मवाली से पैसा वसूल करता है, तो ये क्या चीज है? तो अब क्या विचार किया, पगार दे रहे हैं? देखिए आप टप्पू के पापा की बात का कुछ बुरा मत मानिए, अभी कच्ची नींद से उठे हैं ना, इसलिए गुस्से में हैं। वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं। चलो ये 5,000 है, 4,000 तुम्हारे वो पगार के, और 1,000 वो तुम्हारा आना जाना ट्रेन भाड़ा और मुंबई दर्शन वो सब। अभी तो जाएंगे ना? हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे। जाओ मुंबई दर्शन, ये तुम्हारा तूफान मेल को कौन लेके जाएगा? अरे मैं तो भूल ही गई, अरे बेटा बटू, ये उठ, चल जल्दी अहमदाबाद जवान, उठ अहमदाबाद, आ ना ना जल्दी, चल चल जल्दी, चल जल्दी। सुबह सुबह 5 बजे मैं 5,000 का चूना लग गया। हाँ अच्छा है 10 बजे नहीं आई, नहीं तो। दस हजार का चूना लग जाता, काम वाली भाई कब मिलेगी? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैं नीचे आ रही हूँ,
अरे सुनिए, ये देखो आ गई। अरे अरे भिड़े भाभी नहीं आए? भिड़े भाभी, ए भिड़े भाभी, भिड़े भाभी नहीं, भिड़े भाई दया बहन। माधवी भाभी को जरा नीचे भेजिए ना। हाँ वो आ रही, नीचे ही आ रही है माधवी, नीचे ही आ रही है। अरे आ गए। क्या हुआ, क्या फोन? हाँ। भी दया भाभी ये तो बताओ, हम सबको फोन करके यहाँ पे क्यों बुलाया आपने? हाँ। तो मैंने फोन करके आप लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें काम वाली बाई मिल गई है। दया बहन सच्ची, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल। अरे प्रभु कब आएगी, कब आने वाली है? बस आती होगी। अरे लेकिन दया भाभी कैसे मिली, कहाँ मिली आपको ये? वो सीक्रेट है। दया बेन। अरे नटू काका। काम वाली बाई कहाँ है? यही तो है लवली। ओहो, इनको तो मेरी बहुत गरज लगती है। लवली उठा ले इस मौके का फायदा। अच्छे से काम करेगी। शिव जी को मेरी पगार बढ़ाने के लिए कहिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। दया भाभी इनके पगार का कुछ देखे? चलिए ना हमारे घर पर जाकर बैठकर बातें करते हैं। चलो आइए ना। आइए 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 ले लीजिए, आइए 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 यहाँ। अपना ही घर। अरे अब खड़े क्यों हो, बैठो ना भाई। एक्सक्यूज मी, हमको बाई नहीं बोलने का, हमको लवली मेड बोलने का। नटुका का अंग्रेजी में तो मेड को पागल कहते हैं ना। 100%। ए लवली तू अपने आप को पागल काहे को बोलती है? नटुका का इंग्लिश में मेड मतलब काम वाली बाई, नौकरानी। अच्छा अच्छा अभी मैं समझ गया। अच्छा वो सब ठीक है। देखो लवली तुमको ना 6 घर में काम करने। ओके ओके, मगर हम एक काम का 650 रुपया लेगा। लेकिन नटू काका को तो तुमने 450 कहा था। सुनने में मिस्टेक हुआ होगा, बाकी हम झूठ नहीं बोलता। अरे लेकिन हमारी पहली वाली बाई थी ना, वो 300 ही रुपए लेती थी। देखो मैडम, उसमें और हमारा में डिफरेंस है। हम अच्छे कपड़े पहनता,
हमारे पास मोबाइल है, हम इंग्लिश में बात करता। इन सब चीजों से हमें क्या फायदा? फायदा ही फायदा है मैन, फायदा ही फायदा। देखो आप लोगों का गेस्ट आएगा हाँ तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आप लोगों का स्टेटस में फायदा ही फायदा है। गॉट इट? ए, तुम क्या हम लोगों को बेवकूफ समझती है क्या? हम तो अभी अभी इधर आया, हम कैसे बोल सकता है। देखो देखो लवली, एक काम के 650 थोड़े ज्यादा होते हैं। आप लोगों को पड़वरता है तो ठीक है, वरना जुहू में 2-3 अच्छा ऑफर है हमारे पास। क्या? अरे अरे नहीं 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 नहीं, बैठो बैठो ना, बैठो बैठो, मैं मुझे चलेगा। अरे मेरे को भी चलेगा, मुझे भी चलेगा। हाँ मुझे भी चलेगा। हाँ ठीक है, मेरे घर पे सिर्फ बर्तन ही करना है, मुझे इतना परवड़ेगा नहीं। ओके अच्छा तो दया बहन सब पक्का हो गया ना, मैं भी चलता हूँ। अरे नटू काका आए हैं तो फिर खाना खा कर ही जाइए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, दुकान में जेठा सेठ अकेले हो गए और मेरे बिना उनको कुछ सूझेगा नहीं, दुकान में संभलता हूँ ना। अच्छा अच्छा नटू काका हमारा हेलमेट। अच्छा 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 ये है हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस। एक महीने की पगार एडवांस में, ऑफ कोर्स सेफ्टी का वास्ते, अगर पगार के टाइम बाद में किट-किट किया तो। संडे को छुट्टी? यस, हफ्ते में एक दिन रेस्ट तो मांगता है ना। माय गुडनेस, ये देखो गेस्ट अलाउंस एक्स्ट्रा, ऑफ कोर्स ग्लास क्रॉकरी वॉश इट ओनर्स रिस्क। यस मतलब कांच के बर्तन अपनी जिम्मेदारी पे धोने का। बिल्कुल, वॉशिंग मशीन कंपलसरी और ना हो तो पैसे डबल। यस आने जाने का टाइम फिक्स, सुपर मसाले वाली चाय, एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे, बच्चा कुचा खाना देने का नहीं तो देख इसको, काम के वक्त कोई किट-किट नहीं, और पति लोग काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल मांगता है तो आप लोग हमारा वेबसाइट पे जा सकता है। वेबसाइट www.lovely.com। ओके तो अब हम चलता है, बाय। एक मिनट, चलता किधर है? आज से काम ज्वाइन नहीं करोगी? नहीं, हमारा एस्ट्रोलॉजर हमको बोला कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसलिए हम कल से काम पर आएगा। बाय। टिटू ना बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है ये। हाँ मतलब ज्यादा होशियार। हाँ मतलब डॉट डाई कौन है? अरे पर जो भी हो हमको अच्छी भाई तो मिल गई। अब से हमारे पति देव भी लवली, जो खुद को काम वाली कहलाना पसंद नहीं करती, वेबसाइट रखती है www.lovely.com। साइकिल वाली रुकमणी गई तो स्कूटर वाली लवली आ गई। अब ये लवली क्या हुल खिलाती है ये देखने वाली बात है। ये करेगी तो ये नहीं करेगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी, पता नहीं कैसे कैसे करेगी। आप एक काम कीजिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।